रायबाग तालुक्यातील कुडची शहराच्या नगरपालिका कार्यालयात कोरोना लस घेण्याबद्दल व कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेविरुद्ध खबरदारी घेण्याबद्दल नगर परिषद सदस्यांना मर्चंट असोसिएशन तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेमध्ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटरचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी सतीश कलहट्टी म्हणाले की कोरोनाची दुसरी लाट अतिवेगाने वाढत असल्याने 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिकांना व 45 वर्षांवरील नागरिक आणि विशेषतः मधुमेह व रक्तदाब व इतर आजाराने पीडित असलेल्या नागरिकांनी सरकार देत असलेले मोफत कोरोना लस घेणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना वाढतच असल्याने सीमा भागात असलेले व महाराष्ट्रासोबत देवाणघेवाण करणारे व हॉस्पिटलला ये जा करणाऱ्या नागरिकांनी खबरदारी बाळगणे गरजेचे आहे. यावेळी अल्ताफ मौलाना कुडची यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. और दूसरी मीटिंग में पूरे हमारे म्युनिसिपैलिटी के मेंबर का होना भी जरूरी है, इसीलिए कि मैं मस्जिद में बोलूंगा तो मस्जिद में बोलने के बाद बाहर जो वहां का मेंबर भी है, हर मस्जिद में कोई ना कोई मेंबर है, तो मेंबर की भी जिम्मेदारी है वो कि मोहल्ले में अपने अपने वार्ड में जाकर बोलना, वरना क्या होगा मैं खुद बोलता हूँ मेरी बात के लिए. वैक्सीन तो हमारे फायदे के लिए है और उन्हीं जो बोल रहे हैं सब हमारे फायदे के लिए, लेकिन बाहर लोग क्या बोल रहे हैं कि उससे मरते ही करके मरना तो तय है, वो तो अल्लाह के पास है मरना जीना सब कुछ. इलाज इंजेक्शन दे तो भी मरते, मरना चाहे तो नहीं दे तो भी मरते, ये कोई बात नहीं है. लेकिन लोगों के अंदर एक खौफ डाला गया है कि इसके जरिए से बीमारी आती है और कमजोर हो जाते हैं और ये हो जाते हैं. तो उसके बाद में मैंने सर से बात किया कि देखो ऐसा मत करो, पूरे मेंबर्स को जमा करो, पूरे वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात किया, डॉक्टर सज्जाद उनका नाम है, तो उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी कि आप बेफिक्र इंजेक्शन कर दो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. तो इसके लिए कल जो बात की मैं आपको बता रहा हूँ. अब हमारी जिम्मेदारी है जैसा कि बोले नहीं, वो आने से पहले हिफाजत करना, आने के बाद हम. या सभेमध्ये डॉक्टर सतीश कल्लट्टी, एएसटी गौंडळी, उपतहसीलदार दानिहाळ, राजू निडगुंदी सह इतर उपस्थित होते.